हरिनाम के चमत्कार, गुरबाणी के चमत्कार, मुझे ईश्वर की तरफ से इंडिकेशन आया कि ये सिलसिला शुरू करो। लोगों के विश्वास को परिपक्व करने की जरूरत है, विश्वास ही नहीं है। अंततः जिसके साथ भी आपका रिश्ता अच्छा या बुरा है इस संसार में, उसके साथ पिछला कोई हिसाब किताब है। ये ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड से सहमत होना है दाढ़ी केस रखने। सार्कोडायसिस भी इसको कहते हैं, इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। तो इनको स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगते थे 80 mg, मतलब गजब। और गुरबानी से तो बोन मैरो कैंसर तक ठीक हुआ है, तो कम से कम आप इमीडिएटली ये तो शुरू कर ही लो। आप शब्दों को सुनना शुरू कर दो, रात को रिपीट पे लगाना, 8-10 दिन आपको दिक्कत होगी। तो जो आपके कर्म है वो तो गड़बड़ करेंगे, जिनकी वजह से बीमारी है। अब यकीन मानिए, ईश्वर ने मुझे बुलवाया, मुझे मालूम भी नहीं मैं कैसे क्या बोलने लग जाता हूँ, मुझे वही बुलवाते हैं कि भाई इसका मतलब ये है कि बीमारी खतरनाक है लेकिन दवाई काम कर रही है। ये एग्जैक्ट मेरे अल्फाज थे। फिर लगातार सुनने शुरू किया, तो 25 दिन तक ये सुनते रहे लगातार, रात को भी चलता रहा, जो भी 6-7 घंटे हम सोते हैं, अचेतन सुनता रहा, और सारा खेल अचेतन का है। 25 दिन में जो उनकी रिकवरी थी, जो उनको आराम आया था, 75% था। तो पहले तो मामला शक से शुरू होता है, यह मजबूरी में शुरू होता है कि और कोई रास्ता नहीं, चारों तरफ से घिर गए। तो फिर हम उसकी शरण में आते हैं, और कहीं ना कहीं मन में कि ऐसे सुनने से, ये शब्द वब्द सुनने से कैसे कैसे ठीक हो जाएगा, जब यहाँ कोई दवाई नहीं काम कर रही है, डॉक्टरों की समझ से बाहर है मामला, इलाज कोई है नहीं, ऐसे शुरुआत होती है। लेकिन फिर वो कर्म पिछले प्रारब्ध और भाग्य काम आता है। ये इनका चेहरा जो है वो, जब ये क्लीन शेव थे, और इसको देखिए गौर से आप, और उसके बाद में जब इन्होंने दाढ़ी केस रख लिया, पगड़ी बांधनी शुरू कर दी, तो ये उनकी तस्वीर वो देखिए, तो फर्क देखिए आप। ये दाढ़ी केस रखने से और लाभ होता है, मैंने कई बार कहा है, मेरे पास प्रमाण है इसके, ये खुद उसका एक प्रमाण है डिटेक्टिव से। तो दाढ़ी केस रख लिए, रजा में आ गए, उसके साथ सहमत हो गए, निकटता बढ़ने लगी, और शब्द और सुनने बढ़ा दिए, और पाठ करना शुरू कर दिया। 8-9 महीने में इनकी बहुत अच्छी अवस्था बन गई, मतलब ये एस्ट्रल ट्रैवल भी करने लग गए, समाधि लगने लग गई। और आप हैरान होंगे कि इनके सारे टेस्ट नेगेटिव थे, यानी नॉर्मल थे, बीमारी खत्म हो चुकी थी। ये एक चमत्कारी घटना है, ये गुरबाणी का चमत्कार है। आदमी आपके सामने है, इनके जो रिकॉर्ड्स हैं, जो इनके एक्सरेज हैं, इनकी रिपोर्ट्स इनके पास हैं, इनके जीवन का कायाकल्प हुआ, कैसे ये एस्ट्रल ट्रैवल करने लग गए, कैसे इनकी समाधि लगने लगी, कैसे ये आनंद में आ गए, कैसे वो तमाम खुराफातें सब छूट गईं, दारू मदरा मांस सब। तो इनको सुने डिटेक्टिव सिद्धू को, और अपने विश्वास को और परिपक्व करें। अगर इनको ऐसा जवाब मिल सकता है, अगर इनके जीवन का कायाकल्प हो सकता है, अगर इनकी ऐसी भयानक लाइलाज बीमारी गुरबाणी के शब्दों को सुनने से ठीक हो सकती है, तो फिर आपको राहत कैसे नहीं मिलेगी, आपकी बीमारी कैसे ठीक नहीं होगी। मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। गुरु प्रेमियों, ये सीरीज हरिनाम के चमत्कार, गुरबाणी के चमत्कार, हालांकि हम लोगों ने इस पे डॉक्यू ड्रामा फिल्म्स का निर्माण किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आने वाले टाइम में हम लोग शेयर करेंगे, लेकिन उसमें समय लग रहा था, तो मैं बहुत देर से जिक्र करता रहा हूं, तो मुझे लगा, मुझे ईश्वर की तरफ से इंडिकेशन आया कि ये सिलसिला शुरू करो, लोगों को बहुत ज़रूरत है, लोगों के विश्वास को परिपक्व करने की ज़रूरत है, विश्वास ही नहीं है, इसलिए वो सुन नहीं पाते हैं, लगातार नहीं सुन पाते हैं, निरंतर नहीं सुन पाते हैं, समर्पित होके स्मरण नहीं कर पाते हैं, माफिया नहीं मांग पाते हैं, ये दुर्भाग्य है। मैं अक्सर जिक्र करता रहा हूं डिटेक्टिव सिद्धू का, सुखमिंदर सिद्धू चंडीगढ़ में रहते हैं, जो गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने मुझे बताया कि वो जब मैं महाराजा होता था बहुत जन्म पहले, तो मेरे दरबारी होते थे। अब जो लोगों से रिश्ते बनते हैं, अब ये तो उनको उन्होंने बताया तो पता चल गया कि क्यों कैसे मेरा उनसे रिश्ता जुड़ा।
अंततः जिसके साथ भी आपका रिश्ता अच्छा या बुरा है इस संसार में, उसके साथ पिछला कोई हिसाब किताब है, वरना दूसरा कोई आपकी ऑर्बिट में आ ही नहीं सकता है। डिटेक्टिव सिद्धू को एक बीमारी हो गई थी, सार्कोडाइसिस। अब इसमें मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मैं अक्सर, अब ईश्वर ने मुझे ऐसे ड्यूटी पे लगाया हुआ है, मेरी समझ से तो मामला बाहर है। जैसा मैं कहता रहता हूं कि ना मैं कोई विद्वान हूं, ना कोई बाबा हूं, ना संत हूं, ना कोई ज्ञानी हूं, लेकिन ऐसे ही उसकी नजर में आ गए, उसकी दया दृष्टि हो गई, तो उसने सिवा पे लगा दिया। तो मैं सबसे ये कहता रहता हूं कि दाढ़ी केस रखो, हालांकि मेरे अपने नहीं है, लेकिन मुझे पता चला कि भाई इनकी वैल्यू क्या है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हम सिख हैं हमें रखने चाहिए, नहीं, ये ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड से सहमत होना है दाढ़ी केस रखना। सिखों के लिए तो वैसे ही जरूरी कर दिया गुरु साहब ने, लेकिन वैसे ही सबको रखने चाहिए वैसे भी। खैर, तो मैं डिटेक्टिव सिद्धू से कहता रहता था कि भाई दाढ़ी केस रखो, तो वो कहते रहते थे कि जब आप रखेंगे तभी रख लेंगे। तो मैंने कहा मैंने तो 2-3 ऐसी फिल्में हैं जिनमें मुझे ऐसे रोल करने हैं, है वो मानवता के भले के लिए, सिखिज्म के लिए ही हैं, लेकिन करके फिर मैं दाढ़ी केस रखूंगा, मुझे बड़ी जल्दी है। खैर, वो नहीं मानते थे। तो इनकी जो बीमारी थी सार्कोडाइसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मैं इनका अक्सर जिक्र करता रहा हूं पासिंग रेफरेंस में, लेकिन अब उनका इंटरव्यू ही सुना देता हूं ताकि दूसरों को यकीन आए। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में सारे जो मसल्स हैं वो खत्म होने लगते हैं, ऐसा मैंने सुना है, मैं गलत हो सकता हूं, डॉक्टर ज्यादा बेहतर बता सकते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं। सार्कोडाइसिस भी इसको कहते हैं, इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। तो इनको स्टेरॉयड के इंजेक्शन लगते थे 80 mg, ये नौबत आ गई थी और 25% पे वो अटक गई थी बीमारी, और PGI के रिटायर्ड डायरेक्टर हैं, वो उनका इलाज कर रहे थे, शायद पंचकूला में उनका अपना क्लिनिक है, हॉस्पिटल है। तो जब उनकी काफी हालत खराब हो गई, बड़ी खतरनाक, बहुत पेनफुल है, शरीर अकड़ जाता है, कोई हड्डियां जो है मुर्दा बंद हो जाती हैं और दर्द बहुत होता है, तो उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता आदमी के लिए। और ये क्योंकि जिम जाते थे, पहलवान आदमी थे, बॉडी बिल्डर थे, तो खूब दवाइयां खाते रहे, और जब स्टेरॉयड के इंजेक्शन लेने तो बहुत उसका साइड इफेक्ट है, क्योंकि वो लाइफ सेविंग ड्रग होती है, तो वेट वजन बढ़ने लग गया। इन्होंने मुझे बॉम्बे फोन किया, मुझे अभी तक याद है, तो मैंने, जो मेरी आदत है, मैं लोगों को घेर लेता हूं, उनके पीछे पड़ जाता हूं, तो मैंने कहा भाई कितनी बार आपसे कहा मैंने कि वो शब्द हैं सर, वो काउखद नाम के, उससे इतने लोग ठीक हुए हैं, और मतलब गजब, और गुरबाणी से तो बोन मैरो कैंसर तक ठीक हुआ है, तो कम से कम आप इमीडिएटली ये तो शुरू कर ही लो, आप शब्दों को सुनना शुरू कर दो, रात को रिपीट पे लगाना, 8-10 दिन आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आप सुन नहीं पाएंगे, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, आदत नहीं है ना, या फिर भाग्य में नहीं है, तो जो आपके कर्म हैं वो तो गड़बड़ करेंगे, जिनकी वजह से बीमारी है। तो कहने लगे मुझे भेज दीजिए, मैंने इनको शब्द भेज दिए इनके फोन पे ही, इन्होंने डाउनलोड कर लिए, और डाउनलोड करके ये सुनने लग गए। मैंने कहा दिन में कान में लगा के सुनते रहना, जैसे मैं अक्सर कहता हूं सबसे, और रात में रिपीट पे लगा के सोना। ये आप इनको देख रहे हैं, इनकी तस्वीरें, इनके घर के कुछ चित्र, वीडियोस मैंने बनाए, तो इनकी जो इंट्रोडक्शन है ये, इनके बारे में बता दूं, फिर ये खुद ही आपको बताएंगे, ताकि लोगों को ज्यादा यकीन आए कि मैं कोई कपोल कल्पित कहानी नहीं सुना रहा हूं। और मेरा ख्याल ये पंजाबी में बोलेंगे तो फिर वही जो हिंदी भाषी लोग हैं हमारे, उनको बात पकड़ में आ जाए। तो इन्होंने सुनना शुरू कर दिया, तो इनका मुझे कुछ 5-7 दिन के बाद फोन आया कि बहुत मुश्किल है, रात में मुझे नींद नहीं आती, एक दिन मैं 2 बजे बंद करके सोया, और एक दिन सुबह 5 बजे तक संघर्ष करता रहा, नींद नहीं आ रही थी, करवटें बदलता रहा, तो मैं बंद करके फिर सोया, फिर मुझे नींद आई। अब यकीन मानिए, ईश्वर ने मुझे बुलवाया, मुझे मालूम भी नहीं मैं कैसे क्या बोलने लग जाता हूँ, मुझे वही बुलवाते हैं, तो ईश्वर ने मुझे बुलवाया कि भाई इसका मतलब ये है कि बीमारी खतरनाक है लेकिन दवाई काम कर रही है, ये एग्जैक्ट मेरे अल्फाज थे, तो बंद मत करना, कुछ भी हो 8-10 दिन तुम्हें परेशानी होगी, वॉल्यूम कम कर दो। तो उसने कहा कि जब मैं वॉल्यूम कम करता हूं तो उसके बाद तो बंद ही हो जाता है, इससे नीचे मैं वॉल्यूम कर ही नहीं सकता हूं। तो मैंने कहा दूर रख दो कम वॉल्यूम करके, कहने लगा मैं उधर कोने में रख देता हूं,
मैंने कहा फिर? कहना फिर भी ऐसा लगता है कि मेरे कान में बज रहा है। तो मैंने कहा भैया बीमारी खतरनाक है, दवाई काम कर रही है। ये देखिए, ये ईश्वर ने बुलवाया मुझे, मुझे कोई इसका अनुभव नहीं था, बस बुलवा दिया ऐसे, लेकिन वो आज तक मुझे याद है। लेकिन तुम बंद मत करना, इसका मतलब दवाई काम कर रही है। तो ये लगे रहे। मैंने कहा 8-10 दिन के बाद में आप अभ्यस्त हो जाओगे, फिर इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और वैसा ही हुआ। फिर लगातार सुनने शुरू किया, तो 25 दिन तक ये सुनते रहे लगातार, रात को भी चलता रहा, जो भी 6-7 घंटे हम सोते हैं, अचेतन सुनता रहा, और सारा खेल अचेतन का है। और दिन में एक कान में लगा के सुनते रहे। तो 25 दिन के बाद जब इनके जो अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर साहब के साथ में, मैंने उनका भी, मेरी इच्छा इंटरव्यू करने की, इनसे मैंने कहा था, तो कह रहे थे कि भाई बहुत बिजी रहते हैं, देखूंगा संभव हुआ तो एक ना एक दिन जरूर उनका इंटरव्यू भी करूंगा, वो पीजीआई के रिटायर्ड डायरेक्टर हैं। तो ये जब गए उनके पास, तो उन्होंने उनको चेक किया, तो बड़े हैरान हुए। उन्होंने इनसे पूछा कि भाई आपने कोई देसी इलाज शुरू किया है? तो डिटेक्टिव सिद्धू ने कहा कि नहीं, मुझे देसी इलाज नहीं, वो ढिल्लों साहब ने मुझे शब्द भेजे थे और वो मैं सुनता हूँ, गुरबाणी है। तो उन्होंने इनसे वो शब्द मांगे कि मुझे दे सकते हो? तो उन्होंने पूछा क्यों? कि नहीं इसका इलाज तो है नहीं, तो और मरीज हैं जिसमें तकलीफ में बहुत हैं, तो मैं उनको दूंगा ताकि उनका भला हो, उनको कुछ राहत मिले जैसे आपको मिली। क्योंकि 25 दिन में जो उनकी रिकवरी थी, जो उनको आराम आया था, 75% था। इट्स मिरेकुलस, अनबिलीवेबल। तो ये डिटेक्टिव सिद्धू बाद में फिर नेचुरली आपको विश्वास आ जाता है। जैसा मैं बार बार ये कहता हूं कि जब आपको राहत मिलेगी, पहले तो मामला शक से शुरू होता है, यह मजबूरी में शुरू होता है कि और कोई रास्ता नहीं, चारों तरफ से घिर गए, तो फिर हम उसकी शरण में आते हैं मजबूरन, ठीक है। और कहीं ना कहीं मन में कि ऐसे सुनने से, ये शब्द वब्द सुनने से कैसे कैसे ठीक हो जाएगा, जब यहां कोई दवाई नहीं काम कर रही है, डॉक्टरों की समझ से बाहर है मामला, इलाज कोई है नहीं। तो ऐसे शुरुआत होती है, लेकिन फिर वो कर्म पिछले प्रारब्ध और भाग्य काम आता है। तो इनको विश्वास होगा, तो फिर उन्होंने और सुनना बढ़ा दिया निरंतर। और फिर वो मेरी बात इनकी समझ में आ गई, दाढ़ी केस रखने वाली, जो मैं इनसे कहता रहता था, तो इन्होंने दाढ़ी केस, दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर दी, बाल रख लिए और पगड़ी बांधनी शुरू कर दी। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि हमको लगता है कि इस तरह से हम ज्यादा सुंदर लगते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उस मालिक से असहमत हैं कि बापू तेरा डिजाइन हमें पसंद नहीं है, देख हमारा डिजाइन तो उससे बेहतर है, हम तो उसके राइवल बने घूम रहे हैं। लेकिन इनकी शक्ल के बारे में, कि जब इनकी बिना, मैंने अक्सर कहा था मैं दिखाना चाहूंगा, ये इनका चेहरा जो है वो, जब ये क्लीन शेव थे, और इसको देखिए गौर से आप, और उसके बाद में जब इन्होंने दाढ़ी केस रख लिया, पगड़ी बांधनी शुरू कर दी, तो ये उनकी तस्वीर वो देखिए, तो फर्क देखिए आप, कितना फर्क है पर्सनैलिटी में, निखार आ गया। पहले क्या लगते थे और अब क्या लगते हैं, पगड़ी के साथ में, दाढ़ी के साथ में। खैर, तो ये दाढ़ी केस रखने से और लाभ होता है, मैंने कई बार कहा है, मेरे पास प्रमाण है इसके, ये खुद उसका एक प्रमाण है डिटेक्टिव सिद्धू। तो दाढ़ी केस रख लिए, रजा में आ गए, उसके साथ सहमत हो गए, निकटता बढ़ने लगी, और शब्द और सुनने बढ़ा दिए, और पाठ करना शुरू कर दिया, और कुछ चीजें जो ये करते थे, मदरा पान करते थे, नॉनवेज खाते थे, वो छोड़ दिया। तो 8-9 महीने में इनकी बहुत अच्छी अवस्था बन गई, मतलब ये एस्ट्रल ट्रैवल भी करने लग गए, समाधि लगने लग गई। और जब इन्होंने जाके चेकअप कराया पीजीआई में, मैं उन दिनों यूपी जा रहा, ये शायद वहां यूपी में ही था, ये जा रहा था, तो मेरी इनसे फोन पे बात हुई, तो कहने पीजीआई में अपने सारे टेस्ट करवा रहा हूं, और आप हैरान होंगे कि इनके सारे टेस्ट नेगेटिव थे, यानी नॉर्मल थे, बीमारी खत्म हो चुकी थी। ये एक चमत्कारी घटना है, ये गुरबाणी का चमत्कार है। आदमी आपके सामने है, इनके जो रिकॉर्ड्स हैं, जो इनके एक्सरेज हैं, इनकी रिपोर्ट्स इनके पास हैं, ज्यादातर लोग संभाल के ज्यादा रखते नहीं है, जो जो मिलती है हम लोग शूट कर लेते हैं, बाकी ये आपको खुद बताएं, इनको खुद को सुनिए, पंजाबी में बताएंगे कैसे इनके जीवन का कायाकल्प हुआ, कैसे ये एस्ट्रल ट्रैवल करने लग गए, कैसे इनकी समाधि लगने लग गई, कैसे ये आनंद में आ गए, कैसे वो तमाम खुराफातें सब छूट गई, दारू मदरा मांस सब छोड़ के ये ध्यान करने लग गए, आनंद में आ गए। और अब कभी इनके साथ में इनका इंटरव्यू करके या इनको यहाँ बुला के
को चर्चा करूंगा। यह मैंने कहा भी था कि जो लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, इनका नंबर हम देते हैं, भी इनसे पूछ लेना, ये अपना अनुभव आपको बताएंगे। इनको तो यहां तक आगे आने वाली घटनाओं के बारे में पता लगने लग गया था, ठीक है। ये ट्रैवल करके कनाडा हुआ आते थे, देख आते थे वहां की सिचुएशन क्या है, और जो जो ये एस्ट्रो ट्रैवल में देखते थे मुझसे शेयर करते रहते थे। बहुत एक्साइटेड होता ना आदमी, नई नई चीज मिलती है, तो फिर धीरे धीरे ठहराव आता है। अब वो ठहराव आ गया है, वो एक्साइटमेंट का प्रोसेस जो है वो दौर इनका मुकम्मल हो चुका है। तो इनको सुनिए, ये बताएंगे आपको कैसे इनकी बीमारी थी, कैसी बीमारी थी, और कैसे वो गुरबाणी सुन के, शब्द सुन के, सर्वो काउखर नाम के शब्द सुन के, उसके बाद तो फिर ये पूरी तरह सराबोर ही हो गए। अब तो इनका जीवन पूरा गुरबाणी में हो गया है, लगातार इनके हॉल में भी, इनके बेडरूम में भी, इनकी गाड़ी में भी शब्द चलते रहते हैं। मूल मंत्र सुखमणि साहिब, वाहेगुरु का जाप और हमारे वाले वो शब्द निरंतर चलते रहते हैं। तो अब तो कहने क्या है, पहले इनके और उनके पिताजी के बीच में तनाव रहता था, वो भी खत्म हो गया है। यही है जो ईश्वर का नाम है, ये आपको मुलायम निर्मल कर देता है, क्योंकि बिना निर्मल हुए तो मिलता नहीं है। कबीर मन निर्मल भया जो गंगा का नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो गुरबाणी, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड का नाम अगर सही ढंग से हम जपना सुनना शुरू कर दें तो हम निर्मल हो जाते हैं, और निर्मल होने के बाद फिर सब कुछ ही प्राप्त हो जाता है। जैसे इनकी जर्नी शुरू हुई, अब ये शुरू हुई रोग से, दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम न हो, इनके दुख को, क्योंकि बड़े अड़ियल किस्म के आदमी थे, भयंकर अड़ियल, मतलब इनके किस्से सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, अनबिलीवेबल। इनको समझाना, ये खुद भी मानते हैं इस बात को, तो इनको समझाना, कन्विंस करना कोई मजाक नहीं है। लेकिन कैसे इनका काया, क्योंकि जितना बच्चा नालायक होता है, अड़ियल होता है, जिद्दी होता है, उतना ही जबरदस्त ईश्वर कान मरोड़ते हैं, लेकिन उसके पीछे पिछले कर्म होने चाहिए, पिछला जप तप होना चाहिए। तो इनके पीछे जप तप था, लेकिन कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ कि गाड़ी ट्रैक से उतर गई, अब फिर ट्रैक पर वापस आ गई है। कितने जन्मों से गड़बड़ हुआ था मुझे नहीं मालूम है, ईश्वर जानते हैं, लेकिन इतने अड़ियल थे कि सुनने को तैयार ही नहीं थे किसी को। तो कैसे ईश्वर ने ऐसी बीमारी दी, इतनी भयंकर और भयानक बीमारी, कि इनको उनकी शरण में आना पड़ा, और मालिक ने, ईश्वर ने, हरि ने, गुरु साहब ने इनके दुख को अल्टीमेट दवा बना दिया, इनके जीवन का कायाकल्प कर दिया। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि और भी लोग जुड़े, उनके जीवन का कायाकल्प हो। धन गुरु नानक ग्रुप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, हम इनबॉक्स में डालते रहते हैं लिंक, जो लोग चाहें 9920310094 9921304। हम शुरू में भी देते हैं नंबर, हमारे वीडियो शुरू होने के और अंत में भी देते हैं, उसको अपने फोन में सेव करें, टेलीग्राम पे हमें मैसेज भेजें, अपना नाम, अपना शहर और ऐड में या मुझे शामिल करें लिख के, हम आपको लिंक भेजेंगे और आप उसको क्लिक करते ही उस ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे, और फिर डायरेक्टली आदान प्रदान हो सकता है, और भी बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, आप भी हो सकते हैं। ये स्पिरिचुअल जर्नी आप हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। तो इनको सुने, डिटेक्टिव सिद्धू को, और अपने विश्वास को और परिपक्व करें। अगर इनको ऐसा जवाब मिल सकता है, अगर इनके जीवन का कायाकल्प हो सकता है, अगर इनकी ऐसी भयानक लाइलाज बीमारी गुरबाणी के शब्दों को सुनने से ठीक हो सकती है, तो फिर आपको राहत कैसे नहीं मिलेगी, आपकी बीमारी कैसे ठीक नहीं होगी। सुनिए इनको और अपने यकीन को परिपक्व करिए। धन्यवाद। सत श्री अकाल जी, मैं सुखमेंदर सिंह सिद्धू चंडीगढ़ का रहने वाला हाँ। एज ए प्रोफेसनल मैं डिटेक्टिव हाँ, सिख फैमिली नूं बिलोंग करदा हाँ। सो मेरे घर दे विच सिखी का माहौल है, घर दे विच साधु संतों का आना जाना है, बहुत जथेदारां नाल भी संबंध है, सारा परिवार गुरसिख है। मैं क्लीन शेवन सी, कोना मोना सी कई पिछले सालों तो, मन दे विच कई तरह के विचार आते सी, लेकिन कोई गल पकड़ दे विच नहीं आ रही सी। कई बार कोशिश की, पाठ पूजा करन दी कोशिश की, गुरद्वारा साहब भी जाना, कई बार चंगा कुछ लिखन दी कोशिश की, पर कोई गल नहीं बन रही सी। अंदर भुख जरूर सी, कोई रस्ता नहीं नज़र आ रहा सी। फिर साढ़े बाई जी मंगल ढिल्लों बॉम्बे तो एक्टर ने, डायरैक्टर प्रोड्यूसर ने, उन्होंने बड़ा प्रेम प्यार है, अक्सर उन्होंने आना है, उन्होंने भी मैनू कहना कि भाई काका जी वापसी करो, जस्तार सजाओ, दाढ़ी केस रखो। बड़ी देर सुनते रहे, उन्होंने एज ए रिगार्ड रिस्पैक्ट देंदे सी, हाँ जी कर छड़दे सी।
पर प्रैक्टिकल गल कितें समझ नहीं आ रही सी। फिर हौली हौली चर्चा होंदी रही ते एक दिन बैठे बैठे समा खुला मिल गया। बाई जी होरां ने गाइड किया कि तुसी रात नूं सौण लग्यां जो तुसी सौण लगदे हो सुखमनी साहब दा पाठ आपदे सराहणे ला के तुसी मोबाइल च ला लो जां जो भी तुहाडे कोल गैजट है लो वॉल्यूम दे विच ला के उहनूं सारी रात चलन दिओ ते तुसी सौ जाओ ता कि थोड़ा जिहड़ा चेतन ते अचेतन मन की खेड है उहदे नाल तुहानूं समझ आवे गल। ते मैं फिर वह ला के शुरू किया सुनना। जिमें जिमें मैं वह सुनता गया तो मैनू हफ्ते दस दिन के काफ़ी चीज़ों के तब्दीली आई। 15 दिन के बाद मैनू एक तरीके नाल बड़ी बेफिक्री आनी शुरू हो गई तो बड़ा डिफरेंट एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता एक आनंदमय माहौल जिन्हों मैं कहूँगा भी मन के खड़ना शुरू हो गया। 15 दिन के बाद जिहड़ी गुरबाणी तो मैं भजदा सी जां जिहड़े केस रखण तों दस्तार बनण तों दाढ़ी रखण तों मैनू बड़ा गुरेज सी मेरा कितना कितने मन दे अंदर तब्दीली आनी शुरू हुई ऑटोमैटिकली क्योंकि गल्लां बातां तो पहलां भी सारे रिश्तेदारां तों यारां दोस्तां तों होर सज्जणां पुरशां तों सुणदे रहिंदे डिस्कस हुंदी रहिंदी सी पर तब्दीली नहीं आई सी। सो जिवें बाई जी ने फॉर्मूला दस्सिया उह अंदरों ही मन जिहड़ा है बदली होया परमात्मा ने कृपा की। सो मैनू नहीं लगता सी कि मैं कदे बंदा बनूंगा क्योंकि मेरा एक तो प्रोफेशन इदां दा सी इदां दे लोकां नाल उठना बैठना सी। सो नंबर दो साढ़े कई बार गैटअप की भी मैनू माइंड च आउंदी सी गल कई तरह दे असी कम करते हैं। सो बट जदों मैं आ चीज़ रात में सुननी शुरू की परमात्मा का नाम उन्हें मेरे सारे जिहड़े प्रश्न से उन्होंने जवाब देते मैनू तो ऑटोमैटिकली मेरा मन जिहड़ा सीगा वह परमात्मा दे लड़ लग गया। सो दोस्तों मेरी थोनू भी यही रिक्वेस्ट है कि तुसी जिस भी धर्म के बिलोंग करते हो अपने अपने धर्म के मुताबिक जो तुसी रात को पाठ पूजा सुनना शुरू करते हो जो सुखमनी साहब सुनो लेटेस्ट वर्जन है ज़्यादा अच्छा है मेरा एक्सपीरियंस तो ये मुताबिक ही होया। सो मैनू बड़ी जल्दी मन के शुभ विचार आने शुरू होए मन दे विच एक बड़ी जिहड़ी भड़काहट हुंदी सी जिहड़ी एक बड़ा ही डिफरेंट तरह का माहौल सी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता तुहानूं वो सारे किते ना किते शांत हो गई चीज़ां और बड़ा आनंदमई जिहड़ा मैनू एक तरह का तुसीं कहो एक्सपीरियंस होया जी। सो मैं चाहूँगा कि जे मेरे नाल ये हो सकता है तो किसी नाल भी हो सकता है। सो मैं बाई जी होरां दा बहुत मंगल होरां दा धन्नवादी हाँ कि उन्होंने मैनू एक बहुत चंगा रस्ता विखाया और मैं मैनू नहीं लगता कि मैं हुण सारी जिंदगी इस रस्ते तो किसी पासे हटूंगा बिकॉज ये जिहड़ा रस्ता है इहनू एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता इहदा सिर्फ तुसीं आनंद ही लै सकदे हो। सो दोस्तों मेरी हंबल रिक्वेस्ट है आपां जी नूं सारयां नूं कि तुसीं भी सारे जाने इस रस्ते ते चलो कोशिश करो बाकी बाँह ते परमात्मा ने फड़ लैनी। मैं भी कोशिश ही कीती सी मैं कोई प्रोमिस नहीं करके चलिया सी किसी नाल क्योंकि मैं कोई अमृत नहीं छकया होया कि भी मैं प्रोमिस करा तो मैनू बाद टुट जाए तो मैनू कोई डरन की लोड़ है तो मैं कोशिश की परमात्मा ने मेरी बाँह फड़ी तो मैं हुण सिखी सरूप धारण कर लिया। सवेरे उठ के पंजा बाणियां का पाठ भी करदा ऑटोमैटिकली भुख लगती है और मेरा सिमरन भी तकरीबन सारा दिन चलता रहिंदा है। मैं नहीं कुछ करन वाला परमात्मा है कराउण वाला उहनी बाँह फड़ी है सारी तो हाँ रस्ता जरूर बाई जी ने विखाया मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्नवादी हाँ क्योंकि वो सिख इतिहास के उत्ते ऑलरेडी बहुत सारा काम कर रहे हैं तो जिते उन्होंने साडे अर्गे कोई सहकते मिलते हैं उन्होंने बाँह फड़ते हैं। सो मैनू इस गल की बड़ी खुशी है। सो मैं इन्नी ही रिक्वेस्ट करदा आप जी कि कोशिश करो इस रस्ते से चलन की बड़ा सौखा तरीका है। डे टाइम जो असी पाठ पूजा करते हैं साडा मन भज जांदा है सो असी आपदे मन नूं कंट्रोल नहीं कर सकते ना असी मसल पावर नाल ना आपदी पढ़ाई नाल ना असी रुतबे नाल इक्को सॉफ्टवेयर है परमात्मा दे नाम दा जिहदे नाल असी आपदे मन नूं कंट्रोल कर सकते हैं तो परमात्मा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यह मेरा तजर्बा है निजी तजर्बा है एक हुंदा सुनिया सुनाइया गल्लां किताबां चों पढ़ के नहीं ये मेरा निजी तजर्बा है और ये थोड़े समय पहला ही मेरे नाल सारा कुछ वापरिया है। मैं बड़ा आनंदमई हाँ बड़ी बेफिक्री आ गई है उस तो बाद मेरे कारोबार च बरकत आई है
सब तो वड्डी मैं एक तुहानू होर दस देनी चाहुंदा हां, मैनू ऑटोइम्यून की प्रॉब्लम हो गई सी, सारकोडाइस जिहनू असीं कहिंदे हां डिजीज़, इस इक्वल टू कैंसर, ईवन ज़्यादा वड्डा भी तुसीं कह सकदे हो बीमारी नू। सो डॉक्टरां दे मुताबक पूरी दुनिया दे विच इहदा कोई क्योर नहीं हैगा। सारकोडाइसिस बेसिकली की करती है, बंदे नाल की डिजीज़ हुंदा है, मैं थोड़ा जिहा एक्सप्लेन कर दिंदा हां। उहदे नाल शुरू दे विच तां सारी बॉडी दे विच स्वैलिंग आउंदी है, जिन्ने भी जॉइंट्स ने अपने, फिर हौली हौली उहदे विच बहुत ज़्यादा दर्द आ जाता है। जिस तरह गठिए दे विच तां स्वैलिंग आउंदी है, कई लोगों को लगता शायद गठिया है, बट ये बहुत ज़्यादा भयानक हुंदा है। और इहदे विच थोड़ी इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन चली जाती है, और थोड़े लंग्स दे विच वाइट सैल जिहड़े ने ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਰਾ ਫੇਰਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਲੋਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸ਼ਰਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਪ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, 30% 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪੈਰਲਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਈ ਰੱਖਣੇ। ਸੋ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ 30% ਤੋਂ 70% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਤਿਸ਼ ਸਿੰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, PGI ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈੱਡ ਰਿਟਨ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਟੋਮਿਊਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਖ ਹੋਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੂਝ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੰਗਲ ਢਿਲੋਂ ਚੈਨਲ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੈਨਲ ਜੋ ਆਪਕਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਅਬ ਤੱਕ ਬਹੁਤੋਂ ਕਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਢਿਲੋਂ ਚੈਨਲ।